का है। मैं जहानाबाद बिहार की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही लेकिन हरियाणा में रहती हूँ। मेरे स्कूल का नाम रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ। मुझे बचपन से ही ड्राइंग का शौक है और मेरी हॉबी है ड्राइंग, डांसिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एंड रीडिंग। मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है और मैं पहले आदर्श इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसमें मुझे डांस में सर्टिफिकेट, मेडल्स, ट्रॉफी भी मिल चुके हैं और मुझे सरकार की तरफ से भी ट्रॉफी मिल चुका है। का पापा हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये छोटे को से ही हरियाणा में ही रहती है और इसे ड्राइंग बनाने में बहुत रुचि है। ये आगे बढ़ना चाहती है। ये पढ़ने में भी बहुत तेज है। हर विषय में, हर स्कूल में फर्स्ट डिवीजन ली है। बचपन में तो ये शरारती करती थी, बहुत जिद्दी थी छोटे को से ही। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारी बेटी आगे प्रोग्रेस करे और किस में कितना है दम वो मैं नाम रोशन करे। ड्राइंग में है, डांस में है या और भी कुछ में है, बहुत इंटरेस्ट रखती है। अपने आप खुद ही यूट्यूब से देख करके डांस प्रोग्राम सारे वो करती है और सभी चीज़ में सही है। बचपन से ही उसको ड्राइंग का शौक़ है और आई एम डॉक्टर। बचपन से ही बोलती है मम्मा मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसे डॉक्टर बनूँ। लेकिन कहीं भी जाती है, कोई भी फोटो है, वीडियो है, कुछ भी देखती है, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, कुछ भी है। मेरी लड़की को बचपन से ही वर्ल्ड विजन में भी नाम था, जैसे उसी का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, उसको जीता हुआ सब कुछ है। ये फ्रिज है, ये वॉशिंग मशीन है, मेरे पास बेड है, ये अलमारी है, सिलाई मशीन है, सारे उसी का दिया हुआ है, उसने ही जीत करके लाई है सारे कुछ। जितने पास मेरे सामान, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं इतने खरीद सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ, उसमें ही इतना दम है उस मेरी बेटी में बचपन से ही कि वो सारे कुछ अपना, कभी 5,000 जीत के आती है, कभी 2,000 जीत के आती है। और मैं इतना ये बोलती हूँ कि इसमें कितना दम है, इसमें भी मेरी बेटी अव्वल नंबर पे आए। मैं
भगवान से तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ किसमें कितना है दम का कि मेरी बेटी इसमें भी जीते, सिटी का ये नाम सिटी का रोशन करे, मेरे गांव का नाम रोशन करे, वो अपने नाना नानी का सारे का नाम रोशन करे। मेरी बेटी इतने हैं कि जैसे बेटा से ज़्यादा मैं बेटी को चाहती हूँ। मेरी जैसे इनके बहन मीना नद भी है, मेरे बुआ भी है, वो बोलते हैं अपने बेटी को कितना प्यार करती है। मैं बोलती हूँ कि दीदी मेरे पास ये है, मैं बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करती हूँ। दो बेटियाँ हैं मेरी, एक और एक बेटा है। बेटा तो मेरा हर हमेशा बीमार रहता है, लेकिन ये भी किसी काम के लिए नहीं मना करता कि मैं नहीं करूँगा या ये करूँगा। जहाँ है जितना सपोर्ट बनता है। हम लोग के तो इतना इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई, गरीब घर की लड़की हूँ। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटी है जो हम लोग तो कुछ और थी, लेकिन मेरी बेटी जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर जाए। और मैं ये है किसमें कितना दम का धन्यवाद बोलती हूँ, तहे दिल से अपने अंदर दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अपने है माता पिता गुरुदेव सारे सो, कि मेरी बेटी अव्वल नंबर आए। मेरी बेटी 6 महीने की थी जब मैं गुड़गांव में लेकर के आई थी। मेरे हस्बैंड का वो समय नौकरी भी छूट गया था, और लेकिन फिर भी ये मुझे यहाँ लेकर के आए। और बहुत ज़्यादा ही दोनों तीनों बच्चे का मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखते। और इसमें भी मेरी बेटी इतने छोटे से है, इतना शैतानी थी, इतने बाहर भाग जाना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, ऐसे शैतानियाँ करते रहती थी। बाहर बिल्कुल गेट के बाहर भाग जाती थी, कभी तो ट्रक के नीचे भी आ गई थी इतने छोटे में। लेकिन इसको ऊपर वाले मैंने है कि इसको बचाया। ये मेरी बेटी का ये है जब 2 साल की हो गई थी, जबकि है 2 साल के थी स्कूल में। इसमें 2 साल के थी, ये बोलती भी नहीं थी 2 साल के में, फिर भी शैतानियाँ सिर्फ शौचालय या कुछ जाती थी तो बोलती थी मम्मा पापा। हम लोग तो सोचते थे ये बोलेगी भी ना, गूंगी होगी क्या होगी, लेकिन भगवान के मालिक है, कृपया है कि आज इतने ऊपर आए हैं। ये मेरी बेटी है, इसमें हमारे पूरे फैमिली है, तीनों बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है। इसमें मेरी बेटी 4 साल की थी, 4 साल में बोलना स्टार्ट करी थी, 4 साल से मैं स्कूल भी भेजने लगी थी इसको। और 4 साल में पहले तो ट्यूशन में भेजी, स्कूल जा ना पाती थी, बोलती भी नहीं थी, बहुत कम बोलती थी। लेकिन फिर भी मैं कुछ पढ़ी लिखी कम थी, फिर भी ABCD है या कुछ मैं पहले पढ़ाई इसको, थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखी, उसके बाद मैं स्कूल में भेजने लगी। इसमें भी 4 साल से ही वहाँ जा कर के फर्स्ट ही आती थी, फर्स्ट या सेकंड, इससे कम कभी भी नहीं आई। ये मेरी बेटी है, ये 5 साल की थी। इसको जैसे नवरात्रे है, कहीं खाने का शौक बहुत शौकीन है उस किसी चीज़ में। हम लोग तो शर्म लगता है कि नहीं उससे कैसे उसके पास चले जाएं या कैसे किसी से मांग कर ले आएं। ये तो कहीं भी चली जाती है, जैसे भंडारा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, भाई अब मत जाओ, मम्मा मैं आप नहीं जाओ, मैं जाती हूँ, मैं लेकर के आती हूँ। आ इसको सारे गली मोहल्ले बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, सारे बुला कर ले जाते हैं। और किसी के ये काम के लिए मना नहीं करती, बचपन से ही बहुत अच्छी काम करती है, बहुत अच्छी मेरी बेटी है। ये 7 साल की है, इसमें है 7 साल की है, इसमें इसके फ्रेंड है, इसे बहुत बड़ी है,
लेकिन इससे ज़्यादा तरक्की करी है। 8 साल में भी आदर सी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी, उसमें भी हर हमेशा अव्वल नंबर लाई। उसको मैम भी बोल रहे थे, मैडम इसको चेंज क्यों करवा रही हूँ। लेकिन मुझे स्कूल थोड़ा थोड़ा अब 8th में जाने लगी तो मैं सोची कि चलो यहाँ स्कूल कुछ कम पढ़ाई होने लगी, अब इसको है कुछ आगे करना है। बोलते हैं मम्मा मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मम्मा मैं तो कुछ मुझे कुछ करना, मुझे इसमें नहीं अब पढ़ना। हम कि चलो बच्चे को मुझे ना रहते भर में भी इसको मुझे बात मानना पड़ा। अब मैं देखी कि अब ये पढ़ने में सही है तो मैं ये लापरवाही क्यों करूँ, जहाँ से जैसे कुछ ना कुछ मैं आगे बढ़ी। तो छोटी अब मैं वो इससे छोटी फोटो है, लेकिन इसमें भी बहुत क्यूट थी, कहीं भी कुछ भी करती थी। मम्मा वो ये अभी खाना बनाने में इसको रुचि है, पिछले है खाना बनाने के लिए कुछ भी बनवा लो, जैसे जलेबी है, पकौड़े है, ब्रेड है, कुछ भी खाना बनाने के लिए मुझसे अच्छी खाना बना लेती है। अभी से ही खाना बनाने में कुकिंग में भी उसको बहुत रुचि है, बहुत कुकिंग करती है। इसमें है 2018 की फ़ोटो, ये गई थी हम लोग, कब से बोल रही थी मम्मा मुझे घुमाने ले चलो, मम्मा मुझे घुमाने ले चलो। मैं इसे आगरा घुमाने के लिए ले गई थी, ताजमहल दिखा करके आई, वहाँ घुमा करके लाई। ऐसे तो ज़्यादा जिद नहीं करती कि मम्मा मुझे कुछ चाहिए या चाहिए ही चाहिए या यहाँ जाना ही जाना है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग चलो बच्चे के शौक है, कभी तो बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी ले गई इसको घुमाने के लिए और घुमाई। अरे वहाँ जाकर बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और आई वहाँ से फिर इसका और सारे जगह देखी, पोस्टल वगैरह। फिर बोली मम्मा मुझे तो ड्राइंग करना है, ड्राइंग करना है। फिर ठीक है ड्राइंग करो, मैं तो कभी कलर के लिए मना भी करती हूँ कि मेरे पास तुम गिर देती है या तोड़ देती है, कुछ कर देती है। लेकिन फिर भी चलो मैं ला करके दी अपना छोटा छोटा, किसी ने जैसे बर्थडे हो गया वो गिफ्ट दिया या कुछ गिफ्ट दिया, वो अपना बचा बचा करके उसे ड्राइंग कर करके ड्राइंग में रुचि रखी, ड्राइंग सीखी। मैं अनुष्का का भाई अनुराग बोल रहा हूँ, अनुराग हूँ। और यहाँ पे मेरी बहन KKHD में बढ़िया परफॉर्मेंस दे करके यहाँ पे अपने परिवार का, मेरा और अपने गांव का, सभी गली मोहल्ले का अपना नाम रोशन करे। और साथ में मैं ये भगवान से ये तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि KKHD में इसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और सबसे बढ़िया बात है वरुण बंसल सर का थैंकफुल करना चाहूँगा कि उन्होंने KKHD जितना इतना अच्छा प्रोग्राम फंक्शन बनवाया कि जिससे बहुत सारे बच्चे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ में तो मेरी बहन है, हमारे साथ में लड़ती है, झगड़ती है, सब कुछ करती है, लेकिन बहुत ही अच्छी है। I am Dr. Vijay Singh Chauhan, Principal of Royal Public Senior Secondary School, Village Bajirpur, Sector 95, Gurgaon, Haryana. I am Principal cum Director of the school, and this school is good school, has been running since 20 years. And there is one intelligent genius girl, Anushka. She is very much intelligent. She has been studying in 8th class
एंड हर सेक्शन इज A6 एंड सी पार्टिसिपेटेड इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल वट एवर इन कोविड ऑनलाइन एक्टिविटीज वर गोइंग ऑन एंड नाउ सी पार्टिसिपेटेड इन टैलेंट का महासंग्राम KKHD किस में कितना है दम एंड सी क्लियर सो मैनी स्टेप्स एंड सी हैज बीन रीच्ड इन लास्ट स्टेप फाइनल स्टेप एंड ऑल द गुड विशेस आर हेयर फ्रॉम अस एंड फ्रॉम होल स्टाफ वी वॉन्ट दैट सी शुड क्लियर एंड सी विल क्लियर ऑल द बेस्ट अगेन एंड अगेन activities and she is a very brilliant and I feel very proud if she got selected if she gets selected and she will go to the next level and will win the competition. Give the 3 minutes or the facts from the excerpt. So just find out the 3 most important events from the paragraph. Read the paragraph very carefully and write 3 events which is fact. So you will have to write the 3 facts of the event from the paragraph. Find out the events from the paragraph. मैं वरुण बंसल साहब का बहुत थैंकफुल करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे ये स्टेज दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद